हेलो दोस्त, तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स मई 2019 के बारे में। 1 मई 2019 को भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो है सर्बिया के डेगन मिहाई लोविच को। अगला है 1 मई 2019 को एमसीसी मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष पद पर संभालने वाले पहले गैर ब्रिटिश कौन बने? कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं। ये अगला है 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध समिति द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया? मसूद अजहर को। अगला है 1 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर बोल लो चाहे मजबूर बोल लो, 1 मई 2019 को याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है 2 मई 2019 को खेले गए अली अली ये कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो है बजरंग पूनिया। अगला है 2 मई 2019 को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कारवास ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। अगला है 3 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसाइन फॉर्मेशन। अगला है 3 मई 2019 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो ये है एम एस किरण कुमार। अगला है 6 मई 2019 को भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन क्लास की चौथी किस पनडुब्बी को सेना में शामिल किया? तो आईएनएस बेला। अगला है 6 मई 2019 को किस देश के $10 के नोट को बैंक ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया? तो कनाडा। अगला है हमारा 6 मई 2019 को एशियन बेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो है जोसना चिनप्पा और सौरभ घोषाल। अगला है 6 मई 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाले सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका। अगला है 7 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? स्टॉप फॉर अस्थमा। अगला है 8 मई 2019 को एन आर माधव ने मेनन का निधन हो गया, वे किस रूप में विख्यात थे? भारत की आधुनिक विधि शिक्षा के जनक। अगला है 8 मई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसी ने पुनः निर्वाचित किया गया? भारत के जगदीश पवाड़िया को। अगला है 8 मई 2019 को हैज लव विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला है 9 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आयरलैंड। पहला वेटन याद रखिए। यहाँ याद रखिए आयरलैंड पहला देश बना है जलवायु आपातकाल घोषित करने। अगला है 8 मई 2019 को अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर किन धातुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है? तो ईरानी धातुओं पर। अगला है 9 मई 2019 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खिलौना बनाने वाली किस कंपनी ब्रिटिश कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो हेलीज हेलीज। अगला है 9 मई 2019 को फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने एक कानून पारित किया? तो सिंगापुर सरकार ने। अगला है 10 मई 2019 को कौन सा प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया? तो बोइंग AH-64E। अगला है 10 मई 2019 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह न्यायमूर्ति अवध श्रीनिवास। अगला है 10 मई 2019 तक गोवा में अरब सागर तट पर किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस। याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौभ्यास होता है। अगला है 11 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला है 11 मई 2019 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो है प्रोटेक्ट बर्ड बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ याद रखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 12 मई 2019 को किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया? तो हीरा लाल यादव। अगला है 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर। अगला है 12 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के हैं।
अगला है 13 मई 2019 को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को। अगला है 13 मई 2019 को महाराष्ट्र के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजोय मेहता को। अगला है 13 मई 2019 को निर्भया बलात्कार मामले में जांच करने वाली किस IPAS अधिकारी को मैक कैन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 मिला है? तो छाया शर्मा। अगला है 13 मई 2019 को विश्व की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हरा कर। अगला है 13 मई 2019 को प्रसिद्ध उत्सव जेसोर पूरम कहाँ आरंभ हुआ? केरल में। अगला है 14 मई 2019 को मेडिड ओपन टेनिस में पुरुष एवं महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः नोवाक जोकोविच योंकेकी बर्टेंस। अगला है 14 मई 2019 को फार्मूला वन स्पेस स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने वाल्टोरी ओटास को हराकर। अगला है 14 मई 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो है न्यायमूर्ति DN पटेल। अगला है 14 मई 2019 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी को। याद रखिए न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी। अगला है 14 मई 2019 को विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। अगला है 14 मई 2019 को ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो GS लक्ष्मी। अगला है 15 मई 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो अभ्यास ड्रोन। अगला है 15 मई 2019 को नाबार्ड ने भारत ग्रामीण स्टार्टअप इकाइयों में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? तो 700 करोड़। अगला है 15 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। याद रखिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला है 15 मई 2019 को मर्चेंट सर्विस और UPI पेमेंट ऐप भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सलमान खान को। अगला है 15 मई 2019 को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह इगोर स्टीमैक। अगला है 16 से 12 मई 2019 के बीच नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स 2019 किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर। तो याद रखिए सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना अभ्यास होता है। अगला है 16 मई 2019 को कैरिबियन प्रीमियर लीग खिलाड़ी ट्रम्प में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने ईरोन पठान। अगला है 16 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला है 16 मई 2019 को ब्रिटेन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया? टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे। अगला है 17 मई 2019 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है ताइवान। अगला है 17 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व दूर संचार और सूचना समाज मनाया गया? तो बीजिंग द स्टैंडर्डलाइजेशन गैप। अगला 19 मई 2019 को संपन्न इटेलियन ओपन टेनिस 2019 का पुरुष महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एक क्रमशः राफेल नडाल स्पेन के कैरोलिना प्लेस्कुआ चेक गणराज्य के। अगला है 20 मई 2019 को यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। अगला 20 मई 2019 को भारत पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? भारत में पाकिस्तान का, तो है मुईन उल हक। अगला है 20 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व मधुमक्खी दिवस। तो याद रखिए 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है विश्व। अगला है 20 मई 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस नस्ल की गाय को संरक्षित करने का आह्वान किया है? ओंगोला नस्ल। अगला 21 मई 2019 को किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया? तो श्याम सरन को। अगला है 22 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों के को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अगला है 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतरोही कौन बने? गोपाल श्रेष्ठ नेपाल के। अगला है 22 मई 2019 को मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी पेंका मोहिते।
अगला है 22 मई 2019 को, आवर बायोडाइवर्सिटी और आउटपुट आउट और आवर हेल्थ विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला है 22 मई 2019 को, 2019 के लिए प्रतिष्ठित मैनन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ओमान की लेखिका जोका अलहारती, पुस्तक है इनकी सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अगला है 23 मई 2019 को भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कंठ। अगला है 23 मई 2019 को घोषित लोकसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की? 303। कांग्रेस ने 52, डीएमके ने 23। अगला है 23 मई 2019 को पाकिस्तान द्वारा साहिन-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर। अगला है 23 से 26 मई 2019 के बीच संघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया समिट कहाँ हुई है? बिश्केक किर्गिस्तान में। अगला है 24 मई 2019 को भारतीय सरकार ने किस आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगाया? जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश GMB। अगला है 24 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने डेग हेमर्स गोल्ड पदक से किसे सम्मानित किया? भारतीय पुलिस अफसर जितेंद्र कुमार को, मरणोपरांत। अगला है 25 मई 2019 को किसने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो सिरिल रामपोसा। अगला है 26 मई 2019 को किस देश ने 11वीं बार सुधीर रमन कप खिताब जीता है? चीन ने, जापान को हराकर। अगला है 27 मई 2019 को किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये प्रेम सिंह तमांग। अगला है 27 मई 2019 को जारी किड्स राइट्स इंडेक्स 2019 में 181 देशों में भारत का कौन सा स्थान आया? 117वां। पहला है आइसलैंड। अगला है 27 मई 2019 को किस मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर का निधन हो गया? तो अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का। अगला है 28 मई 2019 को किसने जर्मनी के म्यूनिक में खेले जा रहे ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया? भारत के अपूर्वी चंदेला। अगला है 28 मई 2019 को डायलन थॉमस प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया? गाई गुनारत्ने पेटिस की श्रीलंकाई। अगला है 29 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? स्कॉट मॉरिसन। अगला है 29 मई 2019 को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर किसे नियुक्त किया गया? सैलिस तिनेकर। अगला है 29 मई 2019 को किस देश ने अपना 10वां गणतंत्र दिवस मनाया? नेपाल। अगला है 29 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अगला है 29 मई 2019 को $1,00,000 की लाइन डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता किसे घोषित किया? भारतीय लेखिका एनी जैदी। अगला है 29 मई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा को 4:30 शाम से बढ़ाकर कर दिया 6 बजे शाम तक, 1 जून से प्रभावी होगा ये। अगला है 29 मई 2019 को लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? नवीन पटनायक। अगला है 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पेमा खांडू। अगला है 29 मई 2019 को यूरोपा लीग 2019 किसने जीता है? चेल्सी ने आर्सेनल को 4-1 से हराकर। अगला है 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? नरेंद्र मोदी। अगला है 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? जगन मोहन रेड्डी। अगला है 30 मई 2019 को 12वां ICC विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंग्लैंड। अगला है 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के सदस्यों ने भाग लिया है? बिम्सटेक। अगला है 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के अलावा किस संगठन के प्रमुख ने भाग लिया था? संघाई सहयोग संगठन SCO। अगला है 30 मई 2019 को जारी विश्व वित्तीय स्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 43वां, 2018 में 44वें स्थान पर था। अगला है 30 मई 2019 को किस देश की सरकार द्वारा विश्व का पहला वेली बींग बजट पेश किया गया? न्यूजीलैंड सरकार।
अगला 31 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो वो को एंड लंग्स हेल्थ। तो याद रखिए 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगला 31 मई 2019 को देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमण। अगला 31 मई 2019 को नौसेना के 24वें प्रमुख के रूम में पदभार किसने संभाला? तो 22 एडमिरल करमबीर सिंह। अगला 31 मई 2019 को की गई घोषणा अनुसार भारत के पहले ब्लॉक चेन की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? हैदराबाद। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी मई की करंट अफेयर्स 2019 की।